अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मैं हूं शेफ बिलाल और आप देख रहे हैं किचन में छोटा शेफ। तो व्यूअर्स, आज मैं अपनी रेसिपी का आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फरमान के साथ करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतर रहमी करने वाला हम में से नहीं है, मतलब जिसने अपने रिश्ते तोड़े वो हम में से नहीं है। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन मैगी सूप, जो कि बहुत यूनिक और शानदार बनता है, जो बच्चों को और बड़ों को झटपट से पसंद आ जाता है। कोरोना के इस टाइम में हमें कुछ कहवों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद आते। आज हम बनाएंगे चिकन मैगी सूप, कहवे का कहवा और मैगी की मैगी। तो व्यूअर्स, चलिए हम अपने चिकन मैगी सूप की तरफ चलते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं हमें चिकन मैगी सूप बनाने के लिए किन किन अशिया की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने लिया सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, कॉर्नफ्लोर, यहाँ पे हमने ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है, यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मेल्ट ऑयल लिया है, यहाँ पे हमने ग्रीन बीन्स लिए हैं, कैरेट ली है, यहाँ पे हमने चिकन लिए हैं जो हमने 3 से 4 बोनलेस बोटी का किया है, इसके हमने सेपरेट कर लिया है और इसका चिकन स्टॉक हमने यानी यखनी अलहदा कर लिया है। अब हमने इनको कौन सी चीज़ किस वक्त यूज़ करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर हमने लिया सोया सॉस, यहाँ पर हमने लिया है विनेगर और यहाँ पर हमने रेड चिली सॉस ली है। तो बस यहाँ पे हमने एक मैगी ली है, मैगी मस्ट है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये बच्चों की फेवरेट होती है और इसी की वजह से आपके बच्चे चिकन मैगी सूप खाएंगे, जिससे उनका गला बहुत अच्छी तरीके से साफ होगा, कोई भी गंदा जम्स होगा वो गले के साथ चिपका होगा वो अच्छी तरह साफ हो जाएगा। तो बस चलिए हम चिकन मैगी सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बस अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगा। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून ग्रीन बीन्स ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून कैरेट ऐड करेंगे। इसके अंदर हम 1 टीस्पून ग्रीन चिली ऐड करेंगे, हमने ज़्यादा नहीं ऐड करनी क्योंकि बच्चों को हम दे देना है। क्वार्टर टीस्पून अदरक का पेस्ट, क्वार्टर टीस्पून लहसुन का पाउडर, क्वार्टर टीस्पून वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 4 से 5 मिनट कुक करेंगे, इसकी अच्छी तरह भुनाई होगी। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर 1/2 चिकन स्टॉक ऐड करें। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, यहाँ तक हमारी वेजिटेबल टेंडर हो जाए, यानी हमारी वेजिटेबल अच्छी तरह गल जाए। तो बस 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी वेजिटेबल अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर मैगी ऐड करेंगे। तो बस हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक हमारी मैगी अच्छी तरह गल ना जाए।
तो बस बाकी के हाफ स्टॉक के अंदर हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हलाते जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी हाफ टी स्पून ले सकते हैं, और अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। ये स्पाइसेस मैंने चाइल्ड के अकॉर्डिंग बताई है, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग रिमूव कर दिया है, अगर आप चाहें तो एग ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे लाइक करते हैं तो आप इसके अंदर एग भी ऐड कर लें, बट हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। आपने इसको हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर गुटियाँ ना हों। तो बस हमारे नूडल अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बाकी का हाफ स्टॉक जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था हम उसको ऐड कर लेंगे। अब हम इसको इतना कुक करेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। हमारा चिकन मैगी सूप रेडी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बस माय चिकन मैगी सूप इज़ रेडी। दिस वीडियो स्पेशल फॉर ऑल मदर्स। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।